गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग बच्चों? आई होप आप लोग सही होगे, घर पे रहते होगे, बाहर ज़्यादा नहीं निकलते होगे। और अब हम लोग आज अपना जो चैप्टर था यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर, उसको फिनिश करेंगे। बच्चों, ये हमारा लास्ट है, पेज नंबर 26 सभी बच्चे खोलेंगे एंड पेज देखेंगे। अ कंप्यूटर कंप्लीट्स ऑल टास्क विद, अब कंप्यूटर कैसे कंप्लीट करता है अपने सारे टास्क? स्पीड से, मतलब रफ्तारी से, तेजी से, जल्दी वे में, इजी वे में। स्पीड की क्या स्पेलिंग है? SPEED, स्पीड। क्या स्पेलिंग है? SPEED, स्पीड। द कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन अस। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है हम लोगों से जल्दी काम करता है। फास्टर का क्या मतलब होता है बच्चों? फास्टर का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर है वो जल्दी, रफ्तार, स्पीडी वे में अपना काम करता है। फिर दिया है कंटिन्यूस वर्किंग। कंटिन्यूस वर्किंग का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूस वर्क का बच्चों मतलब होता है पूरे तार लगातार, बिना किसी ब्रेक के। जैसे हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, पर ब्रेक ना लेने का मतलब है बिल्कुल एक ही टाइम पे काम करते रहना, करते रहना, कंटिन्यू करते रहना, कभी रुकना मत। उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस वर्किंग। जो कंप्यूटर होता है वो थकता नहीं है और उसको फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड और रिक्वायर फूड वाइल डूइंग मैनी जॉब्स। तो यही लिखा है इसमें कि जो कंप्यूटर है वो टायर्ड नहीं होता और उसे फूड की नहीं नीड होती काम करते वक्त। कंटिन्यूस की क्या स्पेलिंग है बच्चों? कंटिन्यूस की स्पेलिंग है CONTINUOUS। कंटिन्यूस क्या स्पेलिंग है? CONTINUOUS। और वर्किंग की WORKING, वर्किंग। क्या स्पेलिंग है? WORKING, वर्किंग। अब बच्चों लास्ट क्या है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सभी बच्चे मेरे साथ पहले इसका प्रोनंसिएशन सीखेंगे। क्या है एक्यूरेसी? रिपीट करो सब बच्चों मेरे साथ, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। और स्पेलिंग क्या है? ACCURACY। सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, ACCURACY, एक्यूरेसी, ACCURACY, एक्यूरेसी। बच्चों एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट, मतलब कोई भी मिस्टेक मत करना, सारी चीज़ें एकदम टू द पॉइंट करना, एकदम सही वे में, करेक्ट वे में, कोई मिस्टेक्स मत करना, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। अब द कंप्यूटर रेयरली मेक्स मिस्टेक्स लाइक अस। बच्चों अब हम लोग तो गलतियाँ कर देते हैं, पर जो कंप्यूटर है वो बहुत वंस, मतलब कभी, वंस इन अ वाइल वो मिस्टेक करेगा, और वो भी तब करेगा मिस्टेक जब हमने उसको इनपुट गलत दिया होगा, वरना कंप्यूटर कभी मिस्टेक्स नहीं करता है। सो रेयरली की क्या स्पेलिंग है? रेयरली की स्पेलिंग है RARELY। क्या स्पेलिंग है? RARELY, रेयरली। देयर फोर आफ्टर स्टडिंग द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर इट कैन बी स्टेटेड दैट इट इज़ अ रिलायबल, एक्यूरेट, फास्ट एंड वेरी यूजफुल मशीन। अब हम लोगों ने कंप्यूटर के सारे फंक्शंस पढ़ लिए हैं, तो हम बोल सकते हैं जो कंप्यूटर है वो एक रिलायबल यानी ट्रस्टेबल, हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, हम फेथ रख सकते हैं, एक्यूरेट है, फास्ट है और एक यूजफुल मशीन है। बच्चों रिलायबल की क्या स्पेलिंग है? रिलायबल की स्पेलिंग है RELIABLE। क्या स्पेलिंग है? RELIABLE, रिलायबल। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने ये पढ़ा जो कंप्यूटर है वो टास्क कंप्लीट करता है बहुत स्पीड में, जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है फास्टर हमसे, कंटिन्यूस वर्किंग है, कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं होता और उसको फूड की नीड नहीं होती, और कंप्यूटर जो है रेयरली मेक करता है मिस्टेक्स। और क्या स्पेलिंग मैंने आपको लर्न कराई एक्यूरेसी की? एक्यूरेसी की स्पेलिंग है ACCURACY, एक्यूरेसी। रिलायबल की RELIABLE, रिलायबल। और स्पीड की SPEED, स्पीड। अब बच्चों आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है, आप लोगों को पहला फिल इन द ब्लैंक बताना है। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो ये है कि आप लोगों को 5 टाइम्स लिखना है स्पीड,
कंटिन्यूस वर्किंग और एक्यूरेसी। सभी बच्चे 5 टाइम्स लिखेंगे और थर्ड है आपकी ब्लैंक। आप लोग ये होमवर्क कंप्लीट करोगे अब।